हेलो एवरीवन इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर का पार्ट वन वीडियो में हम लोगों ने एमसीक्यू सॉल्व किया अब इस पार्ट टू वीडियो में इसका इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चलिए देखते हैं व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस हाउ इट कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम जिप्सम राइट द केमिकल रिएक्शन ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तो देखिये इंग्लिश मीडियम का जो बुक है साइंस का पेज थर्टी में दिया हुआ है व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस

ये हो गया सी एसओ फोर टू एस टू हो गया जिप्सम जिप्सम को थ्री सेवेंटी हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा सी एस फोर हाफ एस टू नाइट्रेट इमिट्स ब्राउन फ्यूम्स गिव रीजन राइटिंग रिएक्शन तो देखिए बुक में है पेज एट में एक्टिविटी वन पॉइंट सिक्स तो क्या होगा इसका इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स दीज फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एन टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फ्यूम से इसलिए क्या हो गया ब्राउन हो गया इसका प्रॉपर रिएक्शन हो जाएगा पीबीएनओ थ्री होल टू इसको हिट करेंगे तो क्या मिलेगा पीबीओ प्लस एनओ टू प्लस ओ टू नेक्स्ट देखिए डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटॉम रिलेट टू इट्स पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल तो देखिए जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर वन आता है तो इसको बोलते हैं क्या हम लोग फर्स्ट ग्रुप ठीक है ग्रुप क्या होगा फर्स्ट ग्रुप ग्रुप वन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर टू आएगा तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या सेकेंड ग्रुप मीन ग्रुप टू ठीक है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर थ्री हो या फोर हो या फाइव हो या सिक्स हो या सेवन हो या एट हो तो उसमें हम लोग को टेन प्लस करना पड़ता है टेन प्लस कर देंगे तो टेन प्लस थ्री थर्टीन ग्रुप जैसे एल्यूमिनियम ठीक है एलुमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है टू एट थ्री लास्ट में थ्री है तो टेन प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा ग्रुप जैसे मान लेते हैं सोडियम सोडियम का होता है इलेवन तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिकमा एट कोमा वन तो लास्ट में वन है तो क्या हो जाएगा फर्स्ट ग्रुप और फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीन सेल है तो क्या हो जाएगा थर्ड पीरियड तो ग्रुप हो गया वन और पीरियड कितना हो गया थर्ड फर्स्ट ग्रुप एंड थर्ड पीरियड ठीक है उसी प्रकार अगर मान लेते हैं जैसे मैग्नेशियम तो मैग्नेशियम का होता है टूएल्व तो टू कोमा एट कोमा टू तो लास्ट में टू है लास्ट में टू है इसका मतलब क्या हो गया सेकेंड ग्रुप और फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीन सेल है तो क्या हो गया थर्ड पीरियड ठीक है उसी प्रकार जैसे मान लेते हैं क्लोरीन क्लोरीन का सेवनटीन होता है तो टू एट सेवन तो लास्ट में सेवन है तो टेन प्लस करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा सेवनटींथ ग्रुप सेवनटींथ ग्रुप और फर्स्ट सेकेंड थर्ड थर्ड सेल में है तो क्या हो जाएगा थर्ड पीरियड वॉट इज एस्पोनिफिकेशन रिएक्शन एक्सप्लेन विथ प्रॉपर रिएक्शन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तो देखिए आपका पेज सेवेंटी थ्री में यहां है ऑन ट्रीटिंग विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज एन द एल्केलीस्टर इज कन्वर्टेड बैक टू एल्कोहल एंड सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दिस रिएक्शन इज एस्पोनिफिकेशन रिएक्शन ठीक है ओके इसका मतलब जब ईस्टर ईस्टर रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो क्या बन जाएगा आपका एल्कोहल बन जाएगा और सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड चलो इसका रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग देखिए सी एच थ्री सी ओ सी टू एच टू ठीक है सी टू एच फाइव ईस्टर है रिएक्शन करेगा NaOH से तो क्या बन जाएगा सी एच टू सी टू एच फाइव प्लस इंपोर्टेंट तो है व्हाट फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट तो फार पॉइंट होता है क्या फार पॉइंट होता है इन्फिनी और नियर पॉइंट क्या होता है तो नियर पॉइंट होता है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर ओके नेक्स्ट देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है देखिए पेज नंबर टू हंड्रेड सेवनटीन में आपके एग्जाम्पल ट्वेल्व पॉइंट में है और इसका फॉर्मूला होता है लॉ फिटिंग फॉर्मूला क्या होता है एच इक्वल टू एच इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी ठीक है तो यहां से आई स्क्वायर का वेल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी इक्वल टू एच तो आई स्क्वायर क्ल टू एच और जाएगा आर टी और रूट लग जाएगा तो आई इक्वल टू रूट ओवर एच देंगे हम लोग एच हिट कितना दिया हंड्रेड और डिवाइड में आर आर का कितना है रजिस्टेंस फोर और टी टाइम कितना है हमें टाइम है आपका इच सेकेंड इच सेकेंड मीन वन सेकेंड टाइम कितना है वन सेकेंड Heat है 100 Joule, और है 4, और टाइम है जूल और कर देंगे हमें तो, है, है तो पोटेंशियल होता है आई आर और आई निकला है कितना फाइव और आर कितना है आर रेजिस्टेंस है फोर तो फाइव हो जाए ट्वेंटी वोल्ट दिस इज आंसर देखिए एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स फाइव एम्पियर फ्रॉम ए टू ट्वेंटी वोल्ट लाइन डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड एनर्जी कंज्यूम इन टू आवर्स क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तो देखिए हमें क्या निकालना है फर्स्ट निकालना है पावर तो पावर निकालने के लिए पावर का पी फॉर्मूला होता है पी इक्वल टू भी आई ठीक है और भी, भी दिया है कितना टू ट्वेंटी वोल्ट इंटू आई मीन्स आपका करेंट कितना दिया है फाइव एम्पियर तो पावर हो गया वाट में पावर किस हो गया आपका वाट तो इसको इंटू कर दीजिए

तो टू आवर है तो टू इंटू सिक्स कर देंगे तो मिनट हो गया और मिनट को फिर सेकेंड लाने के लिए फिर सिक्सटी से इंटू करना पड़ेगा तो इस तरह से क्या हो गया पूरा सेकेंड बन गया तो ये वाट है और ये वाट और को इंटू करने जूल बन जाएगा ठीक है तो इसका आंसर हो गया इतना जूल अब क्या करेंगे सबको इंटू कर देंगे हम लोग तो आ जाएगा कितना आपका सेवन नाइन टू एक दो तीन चार जीरो आ जाएगा जूल गया आंसर नेक्स्ट देखिए फिफ्टीन नंबर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ऑब्जेक्ट को कहा रखना है तो आप देखिए बिटवीन ओ एंड इन्फिनी इन्फिनी और ओ के बीच में कहीं भी रख दीजिए आप सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ रख दीजिए या यहाँ कहीं भी रखिए आप इसको यहाँ रखना है तो इमेज क्या बनेगा हमेशा वर्चुअल बनेगा इरेक्ट बनेगा और स्मॉलर बनेगा ठीक है तो ये डायग्राम बनाना है आपको तो इसके साथ साथ और भी डायग्राम प्रैक्टिस कर लीजिएगा जैसे ये वाला क्वेश्चन जब ऑब्जेक्ट को रखना है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कैसा बनेगा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कन्वेक्स लेंस में जब ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखने से इमेज क्या बनेगा वर्चुअल बनेगा इरेक्ट बनेगा और क्या बनेगा लार्जर बनेगा पेज नंबर में डायग्राम है है ये देख लीजिएगा जब ऑब्जेक्ट को बियोंड सी रखेंगे टू एफ के बीच में अब ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे मीन्स टू एफ वन और एफ एफ वन के बीच रखेंगे ठीक है इसके बीच में रखेंगे तो इमेज कैसा बनेगा देख लीजिएगा दोनों इंपॉर्टेंट है और ये वाला भी इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेन टू डिफरेंट वेज टू इंड्यूस करेंट इन सर्किट इंपोर्टेंट है इसका आंसर देखिए हमें है नंबर वन द करेंट कैन बी इंड्यूस्ड इन ए कोयल बाई रोटेटिंग इट इन द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ ए यू सेफ्ड मैगनेट नंबर टू द करेंट कैन बी इंड्यूस्ड इन ए कोयल बाई कीपिंग इट स्टेशनरी एंड रोटेटिंग अ मैग्नेटिक मैगनेट इन साइड इट नंबर थ्री द करेंट कैन बी इंड्यूस्ड इन ए कोयल बाई चेंजिंग द करेंट कंटिन्यूअसली इन अनोदर कोयल केप्ड नियर इट अब देखिए नेक्स्ट वाई आर वी लुकिंग एट अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन इको सिस्टम इ क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये हंड्रेड परसेंट चांस है कि एग्जाम में आएगा आपका वाई शुड वी कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ठीक है ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है उसके बाद देखिए गिव द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रोपिक एंड ये भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ड्रॉ ए सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड लेबल इट प्रोपरली ह्यूमन हार्ट का डायग्राम ये भी इंपोर्टेंट है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है वट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन देख लीजिएगा हाउ डज केमिकल कोअर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल्स देख लीजिएगा व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन ए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है वेजिटेटिव प्रोपागेशन डज रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्ट्स इज बेनिफिशियल फॉर ए एर्गेनिज्मी इंपोर्टेंट है ये देख लीजिएगा एक्सप्लेन द टर्म्स एनालॉगस एंड होमोलॉगस होमोलोग वेरी वेरी इंपोर्टेंट है एनालॉगस होमोलॉगस के बीच में डिफरेंस एग्जाम में आता ही है हमेशा ट्वेंटी फोर नंबर देखिए रोस्टिंग एंड कैलकुलेशन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन आर टू वेरी इंपोर्टेंट प्रोसेस वेरी वेरी इंपोर्टेंट है रोस्टिंग कैल्सिनेशन दोनों के के बीच का डिफरेंस दोनों का रिएक्शन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है एग्जाम में आता ही है देखिए नेक्स्ट 25 नंबर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ फिफ्टीन सेंटीमीटर फाइंड द पोजिशन नेचर ऑफ इमेज तो देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ टेन सेंटीमीटर इसका मतलब यू का वैल्यू हो गया माइनस टेन और फिर यहाँ क्या है आ, फोकल लेंथ दिया फिफ्टीन सेंटीमीटर तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा फिफ्टीन सेंटीमीटर हो जाएगा और एक कॉन्वैक्स मिरर है कॉन्वैक्स कॉन्वैक्स में क्या होता है प्लस होता है अब हमें फाइंड द पोजिशन नेचर निकालना है तो देखिए मिरर का फॉर्मूला होता है वन बाई भी प्लस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ इस फॉर्मूला में हमें पुट करना होगा तो वन बाई भी प्लस वन बाई यू कितना है यू है माइनस टेन इक्वल टू वन बाई एफ कितना है फिफ्टीन तो ये हो गया आपका वन बाई भी इक्वल टू वन बाई फिफ्टीन और ये माइनस वन बाई टेन है जब राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस वन बाई टेन हो जाएगा वन बाई वी इक्वल टू फिफ्टीन और टेन का एलसीएम हो गया थर्टी फिफ्टीन टू जै थर्टी टू आएगा टेन थ्री जहा थर्टी थ्री आएगा सो वन बाई भी इक्वल टू फाइव बाई थर्टी फाइव पंचायत फाइव फाइव सिक्स थर्टी सो वन बाई भी इक्वल टू वन बाई सिक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो भी इंटू वन भी सिक्स इंटू वन सिक्स देयर फोर भीवल टू हो गया सिक्स सेंटीमीटर मींस इमेज डिस्टेंस हो गया आपका सिक्स सेंटीमीटर अब देखिए हम लोग एम निकालेंगे तो एम का फॉर्मूला क्या होता है माइनस भी बाई यू ठीक है माइनस भी का वैल्यू कितना है सिक्स और यू का वैल्यू कितना है यू का वैल्यू है माइनस टेन ठीक है तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया सिक्स बाई टेन एम का वैल्यू प्लस में है एम का वैल्यू प्लस में है एम का वैल्यू प्लस माइनस क्या होता है इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट तो नेचर क्या हो गया नेचर हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट अब यहां नेक्स्ट और में दिया हुआ है अ कंकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ फिफ्टीन सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेन सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑफ द लेंस ठीक है ये बनाना है हमें तो देखिए हमें फोकल लेंथ दिया है कितना 15 15 सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो f इक्वल टू हो गया और कॉनकेव कॉनकेव लेंस है ना concave, concave में क्या होता है माइनस होता है और एन इमेज देखिए फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बना है इमेज बना है तो याद देखिएगा कॉनकेव लेंस में क्या होता है ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनता है ऑन द लेफ्ट साइड कॉन्केव लेंस में ऑलवेज क्या बनता है वर्चुअल इमेज ठीक है वर्चुअल बनेगा इरेक्ट बनेगा और स्मॉलर बनेगा और कहां बनेगा लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट साइड में क्या होता है माइनस होता है अब लेंस फॉर्मुला क्या होता है वन बाई भी माइनस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ ठीक है अब यहां होगा वन बाई का कितना है माइनस टेन माइनस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ का ब्लू कितना है माइनस फिफ्टीन ठीक है तो ये हो गया माइनस वन बाई टेन और ये वन बाई फिफ्टीन को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो प्लस वन बाई फिफ्टीन हो जाएगा और माइनस वन बाई यू को राइट में ले जाएंगे तो प्लस वन बाई यू हो जाएगा उसके बाद में टेन और फिफ्टीन का एल्शियम हो गया थर्टी टेन थ्री जै थर्टी फिफ्टीन टू जा थर्टी वन बाई यू तो माइनस थ्री में टू गया तो माइनस वन बाई थर्टी इक्वल टू वन बाई यू अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या होगा गया यू इंटू वन यू थर्टी इंटू वन थर्टी मीन्स माइनस थर्टी तो यू हो गया कितना माइनस थर्टी मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया थर्टी सेंटीमीटर ओके अब देखिए व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टोमक ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सेलिभा इन द डाइजेशन ऑफ फूड ये भी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन नेफ्रॉन का फंक्शन और उसका स्ट्रक्चर ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तो तो इस पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस किए इस क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कॉमन आ सकते हैं तो इस पेपर को जरूर आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा यह क्वेश्चन पेपर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2023 में जो साइंस का जो क्वेश्चन पेपर जो लीक हो गया था जो पूरा मीडिया में वायरल हो गया था उस वायरल क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन इस पेपर में आया हुआ है इसलिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो इस क्वेश्चन पेपर का सारे क्वेश्चन को आप लोग जरूर लर्न करिएगा और मैथ्स का एग्जाम के लिए हम लोग लाइव क्लासेस करेंगे इसलिए मैथ्स का जो लाइव क्लास होगा उसमें आप लोग जरूर भाग लीजिएगा जरूर आप लोग देखिएगा तो इस वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू